फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं क्या कर रही हूँ। ये जो है ना, ये कैरी यानी कि कच्चा आम, और इसको मैं गुड़कैरी बनाऊंगी। और अभी मैं जो दो इसका छीन चुकी हूँ, दो नहीं सॉरी, एक मैं छीन चुकी हूँ। एक इन लोगों ने इसको आधा खा चुका है, क्योंकि मतलब ये जो आम है ना, ये सिंदूरी जो आम बोलते हैं, आम्रपाली भी शायद इसको इधर हमारे यहाँ बंगाल में, तो ये जो आम है ना बहुत अच्छा है, एकदम मतलब सादा है, इसमें खट्टा नहीं है। तो इसका लिए इसलिए इसमें जो गुड़ कैरी बनाऊंगी ना मैं, बहुत अच्छा होगा। तो वही मैं जो है ना इसको अभी छील रही हूँ, क्योंकि अभी खाना बन चुका है और सब काम हो चुका है, खाली है अभी समय। तो अभी मैं इसको छील रही हूँ। छीलने के बाद मैं इसको थोड़ा छोटे छोटे टुकड़े में काट लूँगी, और उसके बाद जो है इसको मैं धो के कढ़ाई में, फिर इसको छोप के, उसके बाद सब कुछ मिला उला के गुड़कैरी बनाऊँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको छील रही हूँ, और छीलने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा कैरी जो है छिल चुका है, मैं छिल के धो के वापस ले आई हूँ इसको। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा काटूँगी। ये देखिए मेरा शस्त्र, शस्त्र मीनिंग इससे मैं सब्जी काटती हूँ। यहाँ हमारे यहाँ बंगाल बिहार में जो है ना, इसको जैसे बिहार में फरसूल और यहाँ बंगाल में बोटी बूटी ऐसे बोला जाता है। तो इससे जो है ना काफ़ी धार होता है। चाकू से जो है, चाकू से भी मैं सब्जी काटती हूँ, पर ये जो है ना बहुत थोड़ा सख्त भी होता है, तो मेरे पास उतना धारदार चाकू अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी से काटूँगी। इसमें काफ़ी धार होता है, इसमें इसका धार जो है काफ़ी तेज़ होता है। ये देखिए मैं जैसे मतलब निकाल सकती हूँ टुकड़ा, उस तरह से काट रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड से मैंने काटा है ऐसा, मतलब बीच में तो गुठली होता है ना फ्रेंड, तो इसीलिए चारों तरफ से घुमा घुमा के मैं काट रही हूँ, जिधर से भी मुझे इसका मतलब मिल सके गूदा जो होता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी ये बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं हुआ है, मतलब हल्का, जैसे इसमें देखिए थोड़ा सा गुठली नज़र आ रहा है ना, तो मतलब हल गुठली बहुत ज़्यादा अभी कड़ा नहीं हुआ है। ये अचार बनाने लायक भी हो चुका है, और ये जो हम लोग अभी खाते मीठा खट्टा जो चटनी बनाते हैं, जो जिसको गुड़ कैरी कहते हैं, वो के लायक ये हो चुका है काफ़ी। इसी तरह से फ्रेंड्स, मैं बाकी सबको भी काट लेंगी, और बाकी जितना है मेरे पास, ज़्यादा का मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बना के अगर आप ठीक से नहीं रखे तो ख़राब भी हो जाने का चांस रहता है। तो अभी फ़िलहाल आम आएगा, अभी तो शुरू ही हुआ है सीज़न, अभी तो बस अप्रैल हाफ भी नहीं हुआ है, तो अभी तो आम आपको मिलेगा। जब लास्ट तरफ आप एक बार बनाएं, जब गुठली इसमें वो जैसे ऐसे, तो जो गुड़कैरी मिलता है ख़रीदने का जो मिलता है, अलग अलग कंपनी का जो मिलता है सीसी में बोतल में भरा हुआ डब्बा, छोटे छोटे कंटेनर में, तो उसमें देखिएगा आप कि ये जो गुठली का भाग नहीं डाला रहता है, पर हम लोग जब घर में बनाते हैं ना फ्रेंड्स, तो उसको भी डालते हैं। वो क्या है ना, आप जब मतलब उसको खाते हैं खाना के अंत में मीठा के रूप में, तो उसको हम लोग ना खूब चूस चूस के खाते हैं, खूब मज़ा आता है। तो हमारे यहाँ उसको भी अलग से डाला जाता है, क्योंकि वो भी खाने में खूब आपको मज़ा आता है, क्योंकि इसमें हल्का सा गुठली भाग, जब गुठली थोड़ा मोटा हो जाता है तो किसी तरह से मतलब थोड़ा बहुत डालने का कोशिश किया जाता है, क्योंकि गुठली में जो है ना बहुत रस जो है गुड़ का, जो हम लोग गुड़ डालते हैं मिठास के लिए, वो बहुत ज़्यादा उसमें सोख चुका रहता है, तो उससे गुठली बहुत देर तक चूस चूस के हम लोग ऐसे खाते हैं, मज़ा आता है। तो ऐसे हम लोग बना रहे हैं फ्रेंड्स, काट रहे हैं, हो जाने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा
कट के अब रेडी हो चुका है। मैंने 2.5 मैंगो यानी कि कच्चा आम यानी कि कैरी लिया था। ये देखिए मेरे पास 3, देखिए इसके अंदर ऐसा बीज था, हल्का सा कड़ा हुआ है उसका चमड़ा गुठली का। ये देखिए जो मैंने निकाल लिया, इसमें अभी कुछ था नहीं इसलिए निकल गया, और उसके अंदर ऐसा बीज था अभी बड़ा बड़ा। तो अब मैं काट ली हूँ, अब मैं फ्रेंड्स जा रही हूँ उसको छोकने, तो आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है और उसमें तेल डाल दिया है, सादा राइस ब्राइन ऑयल दिया है मैंने, क्योंकि राइस ब्राइन ऑयल अच्छा ही होता है। तो उसमें मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेथी का दाना डाल रही हूँ, थोड़ा सा बस। अब ये गर्म हो ही चुका है, अब मैं अपना करछुल ले चुकी हूँ, थोड़ा तेल भी चला लेती हूँ, और जो मेरा मेथी है वो थोड़ा सा भुन चुका है तो उसमें मैं ये डाल रही हूँ। इसमें जो है थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा ऐसे जैसे ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हल्दी देंगी। थोड़ा सा नमक, इससे गल जाएगा जल्दी, भूनना ज़्यादा नहीं है क्योंकि उससे ज़्यादा काला रंग पड़ जाएगा। मैं तो जो है ना सेंधा नमक यूज़ करती हूँ, इससे प्रेशर का जो है ना प्रॉब्लम नहीं होता है। नमक मैंने थोड़ा सा ही दिया है, भून रहा है। ये देखिए ये भून रहा है, अभी देख सक रहे हैं आप, मैंने हल्दी ज़्यादा नहीं दिया है। तो थोड़ा देर ये भुनेगा, उसके बाद मैं इसमें गुड़ और पानी दोनों मिलाऊंगी, और कुछ थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर, इसका मिलाऊंगी आपको दिखाऊंगी। देखिए ये जो मेरा कैरी है अभी बहुत ज़्यादा सीख चुका है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो गया। आपको नज़दीक से मैं दिखा दूँ, ये देखिए थोड़ा सा जो है ना, देखिए थोड़ा सा मिलने जैसा लगा है। तो अब जो है ना मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और जीरा पाउडर, जो मैंने घर पे ही थोड़ा तवा पे सेक के उसके बाद बना के रखा है मैंने, क्योंकि जब पानी पूरी बनाती हूँ उसके मसाला पे भी मैं यूज़ करती हूँ बीच बीच में, तो इसीलिए मैं बना कर रखी, ज़्यादा नहीं। मेरा चम्मच नहीं रखा हुआ है, चम्मच था पर निकाली थी कभी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये छोटा एक चम्मच का भर लिया है। जो मैंने डाल दिया है, धनिया और जीरा दोनों था, मिक्स था एक बराबर, और ये थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि ज़्यादा तीखा हो जाने से मिश्रियाँ नहीं खाएंगी, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं, आप चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल सकते हैं पर ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये तो मीठा ही अच्छा लगेगा। तो फ्रेंड्स मैंने डाल चुका, थोड़ा सा और भूनूंगी इसको, थोड़ा मैंने आँच भी बढ़ा दिया है, तो क्योंकि जीरा धनिया ऐसे ही भुना ही हुआ था उसको डाली हूँ मैं, और लाल मिर्च पाउडर से डाली हूँ, थोड़ा देर उसे सेक लूँगी, उसका पानी डाल के मैं गुड़ जो है डाल दूँगी। इसे थोड़ा सा आँच मैंने बढ़ाया क्योंकि थोड़ा खुशबू जो है ना अच्छा आने लग गया है फ्रेंड्स, धनिया और जीरा का जो पाउडर मैंने डाला था उसका। और अब फिर वापस थोड़ा सा कम करके थोड़ा सीखने दे रही हूँ ढक्कन लगा के, उसके बाद मैं अभी इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डाल दूंगी अभी, देखिए
फ्रेंड्स, मेरे पास ये बड़ा वाला स्टील ग्लास है जिसमें मैं एक ग्लास भर के अभी डाल रही हूँ पहले। फ्रेंड्स, इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसको मैं मिला दे रही हूँ और अब मैं इसमें गुड़ जो है डालूंगी। हमारे यहाँ गुड़ जो है ऐसा ढेला में आता है, ढेला इस डिज़ाइन का, तो इससे मैं दो ढेला दे दूंगी। अभी गर्मी के दिन में ये सॉफ्ट भी हो चुका है थोड़ा, इसलिए मैंने इसे हाथ से क्रश भी कर दिया है। और एक डाल दूंगी, इससे काफ़ी मिठास हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने दो ढेला डाल दिया है, आप देख चुके हैं। दो ढेला 200 ग्राम हो सकता है फ्रेंड्स वेट में। अगर फ्रेंड्स लास्ट में गहरा जब हो जाए, अगर लास्ट में अगर आपको कम मीठा लगे तो आप इसमें चीनी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर चीनी का यूज़ ना करना चाहें तो वापस गुड़ डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, अब ये गुड़ भी गलेगा, साथ में जो है आम भी और गल जाएगा, ये देखिए। तो दोनों को होने दीजिए, होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरा गुड़ केड़ी अब रेडी हो चुका है। ये देखिए, देख सक रहे हैं आप लोग, एकदम ऐसा लटपट बन चुका है। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे मतलब कर सकते हैं, और गुठली का जो छिलका मैंने डाला था वो आप चाहें तो मत दीजिए, आपको ना ही मन करे तो, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा और मिलाऊंगी, और मैं मीठा चख चुकी हूँ, मेरा मीठा ठीक ही हुआ है। तो ये मेरा हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का ये कुकिंग वाला वीडियो गुड़ केड़ी का, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और बहुत सारा व्यू भी कीजिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी गर्मी था, मैंने जैसे ही बनाया अभी मैं रात को बना रही हूँ, क्योंकि दिन में काफ़ी गर्मी हो जाता है और समय नहीं मिलता दिन में, अभी सब काम हो चुका था इसलिए मैंने अभी बनाया। तो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, कमेंट शेयर व्यू ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आगे समझ सकूं कि आपका आप लोगों को मेरा कौन सा वीडियो पसंद ज़्यादा आ रहा है, ताकि मैं उसी तरह का वीडियो और भी ज़्यादा आप लोग के साथ शेयर कर सकूं। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, जब तक मैं नया वीडियो नहीं डाल पाती। तो फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, और गुड नाइट फ्रेंड्स, और बहुत अच्छे से रहिए, खुश रहिए, बाय फ्रेंड्स।